नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो पे जरा ध्यान दीजिएगा। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रोजाना 1000 रुपए भारत में कैसे कमाएं। जी हाँ मेरे दोस्तों, वीडियो का टॉपिक है। तो दोस्तों वीडियो पूरा कंप्लीट देखिएगा, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों हम ऐसे 8 बिजनेस के बारे में बताने वाले हैं जो कि भारत में आप उससे 1000 रुपए यानी 1000 रुपए की कमाई रोजाना ही कर सकते हैं, उससे ज्यादा भी कर सकते हैं। दोस्तों भारत में अनेकों प्रकार के ऐसे बिजनेस हैं जिसमें हजारों ही नहीं लाखों रुपए की कमाई की जा सकती है। लेकिन दोस्तों आज के वीडियो में मैंने एक सीमित मात्रा में कीमत रखा है कि मात्र 1000 रुपए भारत में कैसे कमाया जा सकते हैं, यानी 30000 रुपए महीने का कैसे कमाया जा सकता है, 28-30000 रुपए महीने का। तो दोस्तों कमाई करने के 8 तरीके हम बताने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला तरीका है दोस्तों, जो कि अभी के समय में काफी प्रचलित तरीका है, YouTube चैनल बना करके। जी हाँ मेरे दोस्तों, YouTube चैनल बना करके उस पर वीडियो एडिटिंग, रोजाना वीडियो डाल करके चैनल मोनेटाइज करा करके भी पैसे कमाया जा सकता है, उससे 1000 रुपए तक की रोजाना की कमाई की जा सकती है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। दोस्तों इसके बाद जो दूसरा तरीका बताने वाला हूँ वो अभी एक तरीके से अभी के समय में भी उसका काफी ज्यादा मात्रा में पहले एक तरह से देखा जाए तो शहरों में ये सब सुविधा हुआ करता था, लेकिन अभी चाहे तो आप भी इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों वह है अमेजोन, यानी कि जो सामान खरीदने वाली जो ऐप है उससे दोस्तों उसकी अमेजोन की डिलीवरी करके भी आप पैसे कमा सकते हैं, जिसपे किसी भी प्रकार का एक तरह से देखा जाए मतलब उस पर जितने भी मतलब सामान अपडेट होते हैं वो सारे सामान आप अमेजोन से खरीद सकते हैं, जिस अमेजोन के अंदर जो सामान अपडेट होते हैं। तो दोस्तों इस तरीके का भी बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों तीसरे प्रकार का मैं अब बिजनेस का बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों यह भी जो बिजनेस है यह भी एक तरीके से पहले के मुकाबले अभी के समय में काफी ज्यादा उससे भी लोग कमाई कर रहे हैं। कंटेंट राइटर बने, मतलब कंटेंट राइटर मतलब आप लिख सकते हैं अनेकों प्रकार के कंटेंट लिख कर आप कमाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जो चौथे नंबर का तरीका है दोस्तों, वह भी तरीका एक तरीके से देखा जाए तो उससे भी 1000 रुपए की कमाई की जा सकती है रोजाना। दोस्तों उस तरीके को कहा जाता है किताब या ईबुक बेचे, मतलब किताब या ईबुक बेच करके भी दोस्तों कमाई की जा सकती है। दोस्तों इसके बाद जो पांचवे नंबर पे तरीका मैं बताने वाला हूँ, पांचवे नंबर का तरीका है, जो पांचवा तरीका है दोस्तों, वह भी दोस्तों एक अलग ही प्रकार का तरीका है, जिसको भोजन या किराना का सामान पहुंचा करके भी आप कमाई कर सकते हैं। मतलब एक तरीके से आप अपने पास कुछ ऐसे मतलब यंत्र रख सकते हैं जिससे आप किराया एक स्थान से दूसरे स्थान तक सामान को ले जा करके भी कमाई कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद जो है छवे नंबर का तरीका है वेबसाइट खरीद कर बेचा जाने वाला। दोस्तों इसके बारे में मैं एक तरीके से बताऊं तो मैं इसके बारे में कम जानता हूं, लेकिन यह भी एक तरीका बताया जाता है और मैंने रिसर्च किया है, तो जो लोग इस तरीके का व्यापार करते हैं उनको ये जानकारी होगी कि वेबसाइट कैसे खरीद कर कैसे बेची जाती है। दोस्तों इसके बाद जो सातवें नंबर का तरीका है 1000 रुपए कमाने के लिए, दोस्तों एक तरीके से तस्वीर बेचकर, यानी कि अगर आप देखे होंगे तो धार्मिक स्थलों पर धार्मिक तस्वीरें बेचकर भी लोग कमाई कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों डाटा एंट्री का व्यापार आता है। तो दोस्तों डाटा एंट्री एक तरीके से अलग अलग कंपनियां अपने कामकाज के लिए डाटा एंट्री कराती हैं, वह भी एक तरीका है डाटा एंट्री करके पैसे कमाने का। तो दोस्तों यही था कुछ बिजनेस आइडिया जो कि आप आसानी से शुरू कर सकते हैं भारत में, और अभी के समय में ये सब चलने वाले बिजनेस हैं। और इन सभी बिजनेस की बात करें तो इनके अलावा भी अनेकों बिजनेस है जिससे लाखों रुपए तक रोजाना ही कमाई की जा सकती है, लेकिन दोस्तों आज के वीडियो में मैंने सिर्फ इतना ही आपको बताया था कि भारत में रहते हुए 1000 रुपए कैसे कमाया जा सकता है। तो दोस्तों वही 8 तरीके थे। दोस्तों इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि दोस्तों ऐसे और भी ऐसे बिजनेस हैं जिससे 1000 रुपए की कमाई रोजाना की जा सकती है। ये मैंने
भारत में रहते हुए कही, लेकिन दोस्तों भारत में रहते हुए और भी बहुत ऐसे बिजनेस हैं, क्योंकि दोस्तों मेरा वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए मैंने 8 ही प्रकार के बिजनेस के बारे में बात किया। लेकिन दोस्तों वैसे अगर देखा जाए तो कई सौ ऐसे बिजनेस हैं जो आसानी से शुरू किए जा सकते हैं, छोटी पूंजी में ही शुरू करके हजारों रुपए की कमाई रोजाना की जा सकती है। अगर आप किसी बाजार में या किसी भारी शहर में भीड़ भाड़ वाले इलाके में अगर आप जाते होंगे तो देखते होंगे कि अनेकों प्रकार के ऐसे व्यापारी होते हैं जो अनेकों प्रकार के सामान को बेचते हैं, चाहे खाने से जुड़ा हो या पहनने से जुड़ा हो, और उसमें मुश्किल से 10-20 हजार रुपए की ही लागत होती है और उसमें वो हजारों रुपए से भी ज़्यादा ही कमाई रोजाना कर लेते हैं। तो ऐसी बात नहीं है। मैंने आज के वीडियो में एक तरीके से ये बताने की कोशिश की है कि 1,000 रुपए भारत में कैसे कमाया जाता है। तो दोस्तों भारत में जो भी चीज़ लीगल है व्यापार करने के लिए, कमाने के लिए, तो दोस्तों लीगली कमाने का तरीका वही है जैसे कि मैंने इस वीडियो में आपसे बात किया है। तो दोस्तों आप भी एक तरीके से लीगल ही कोई काम कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों अनलीगल काम करने से कोई फायदा नहीं है। और एक तरीके से किसी भी प्रकार का अगर आप व्यापार करते हैं तो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है ईमानदारी। दोस्तों अगर आप ईमानदारी से रहेंगे, मतलब कहने का मतलब ईमानदारी मतलब ये नहीं कि आपने जितने में खरीदा उतने में बेचा, लेकिन हाँ आपके पास ईमानदारी है तो आप एक दिन जरूर सफल होंगे। दोस्तों आप अगर मान करके चलिए गांव में रहते होंगे या शहर में रहते होंगे तो आपने एक चीज़ जरूर नोटिस किया होगा कि अनेकों दुकान है, लेकिन एक दुकान आपके लिए ऐसा जरूर होगा जो कि आपको ऐसा लगता होगा कि यार यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ सामान थोड़ा ज़्यादा मिलता है, इतने रुपए में इतना सामान मिल जाता है, और जगह दुकान पे जाते हैं तो कम ही मिलता है। तो दोस्तों ऐसे लोग जो व्यापारी होते हैं वो खास कर से लोगों को एक तरीके से देखा जाए तो अपने ग्राहक डिमांड बढ़ाने के लिए, ग्राहकों की संख्या बढ़ाने के लिए दोस्तों पूर्ण रूप से आपने देखा होगा कि बहुत कम मार्जिन लेते हैं। तो दोस्तों ऐसे भी व्यापार में ही अगर आप एक अच्छे कुशल व्यापारी बनेंगे तो आपके लिए या किसी भी व्यापारी के लिए जरूरी है कि कम मार्जिन लेना। इससे दो फायदा होता है, आपका सामान जल्दी बिक जाता है, आपके ग्राहकों की संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण दोस्तों आपकी आमदनी भी बढ़ जाती है। और दोस्तों अगर आप मार्जिन ज़्यादा लेंगे, ग्राहक कम आएंगे और एक तरीके से आपका सामान कम बिकेगा, तो दोस्तों ये सब प्रॉब्लम झेलना पड़ता है। तो आई होप कि दोस्तों आपने वीडियो को समझने का प्रयास किया होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।